न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर सत्ता से है, जहां कांग्रेस महिला शहर अध्यक्ष पद पर डॉली चौरसिया को सर्वानुमति से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कमान सौंपी गई है। डॉली चौरसिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जो जवाबदारी मिली है मैं उसको कर्तव्य और निष्ठा के साथ संभालूंगी। सामाजिक संगठन और समाज के उत्थान के लिए हमेशा मेरे कदम समाज के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। सभी का साथ और विश्वास के साथ शहर के विकास में हम सब भागीदारी निभाएंगे। श्रीमती चौरसिया ने कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया है और भविष्य में भी पूरी तत्परता के साथ वे संगठन की मजबूती के लिए कार्य करती रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महापौर पद के लिए पिछड़ा वर्ग किसी जाति का है तो पार्टी जरूर हमें मौका देगी और हम भी पूरी मजबूती के साथ नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कई वर्ष से पार्टी की कार्यकर्ता रहकर पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर संगठन को मजबूती दिलाने का कार्य किया है, जिससे जनता व संगठन का स्नेह सदा मिला है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करूंगी। देखिए, जो ये हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जो उनका आशीर्वाद है, उन्होंने जो विश्वास मुझ पर जताया है, हमारे प्रदेश की मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विभा पटेल जी, कमलनाथ जी, उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर पूरी खड़ी उतरूंगी। और इस पद के माध्यम से मैं जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याएं सुनकर उनको राहत पहुँचाने का काम करूँगी। ये प्रदेश सरकार की मंशा पहले से स्पष्ट थी। उन्होंने पहले आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म करवा दिया, उसके बाद में ये सब मिली जुली भगत के तहत दोबारा से न्याय की गुहार लगाई गई और 13% करके रख दिया। ये सब जनता समझ रही है कि वो क्या रहा है और इसका परिणाम आज नहीं कल वो भोगने को तैयार रहेंगे। ओबीसी महिला अगर सीट होती है तो मैं 100% अपनी दावेदारी करूँगी, लेकिन अगर केवल ओबीसी आरक्षण हुआ है तो मैं अपनी दावेदारी तो रखूंगी और साथ में मैं अपने प्रदेश की मुखिया जी का सर्वे भी सर्वमान्य होगा। उनका सर्वे निरंतर चल रहा है, जो भी उनके सर्वे पे खरा उतरेगा उसको पार्टी टिकट देगी और हम सब उसको जिताने में रात दिन एक करके अपने अपना महापौर शहर में लाएंगे। कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही, चुनाव आ गए हैं, क्या तैयारी है कांग्रेस की? जैसे भाजपा की तैयारी बैठकें चल रही हैं जी, हमारे कांग्रेस की काफ़ी पहले से चल रही हैं। हमारे जो संगठन प्रभारी हैं नीतीश पटेल जी, और अभी हाल ही में संजय कपूर जी भी आए थे, और हम लोगों की बैठकें लगातार चल रही हैं। कार्य हर चीज़ की रूपरेखा बनी हुई है, अब वार्ड स्तर पर पोलिंग स्तर पर भी बैठकें चालू हो चुकी हैं। जैसे यहाँ अभी हाल ही में महापौर भाजपा से रही हैं, इस बार क्या तैयारी है कि हम कांग्रेस का महापौर बनाएंगे यहाँ, चाहे जो भी सीट आएगी? तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है, भाजपा ने इतना भ्रष्टाचार फैलाया है, बस लोगों को जाके एक बार गुहार तो लगानी है, उनके सामने जाके जगाना तो है उनको। जिस तरह की रोडें शहर में हो गई हैं, सीवर लाइन के नाम पर पूरे शहर में गड्ढे हो गए हैं, और पीएचई की लाइन भी जहाँ देखो वहाँ जल रिसाव हो रहा है, मतलब कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इन 15 सालों में फैला है, अगर केंद्र में सरकार थी ये चाहते तो सतना को आधा इंदौर बना लेते, लेकिन उन्होंने सारा पैसा हजम किया, आपस में घोटाले किए और कांग्रेस के विपक्ष में रहकर आवाज़ लगाती रही, लेकिन चूंकि केंद्र में उनकी सरकार है, हम उतना न्याय जनता को नहीं दिला पाए जैसा दिलाना चाहिए था।